हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूँ नॉर्थ फेस हाउस प्लान, मतलब कि जो हमारे घर का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है। और अगर बात करते हैं हमारे मकान की साइज की, तो 30 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और 44 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लंबाई की, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे पास है 44 फीट है। 44 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 30 × 44 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। और नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है। तो चलिए दोस्तों, इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सामने सबसे पहले 4.5 फीट चौड़ाई के अंदर ये हमारा पूरा बरामदा रहेगा। यहाँ पर आपके दो कॉलम आ जाएंगे। बरामदा के सीधा यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं, तो इसके जैस पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा, और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 6 इंच बाई 12 फीट है। 11 फीट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो इधर पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से ऑफिस बाहर आते हैं, इसके जैस पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने बरामदा की तरफ निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा की तरफ निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास है जो 12 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 9 इंच। 12 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ, यहाँ पर हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। अब चलते हैं वापस इस तरफ, तो ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, और यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा किचन हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर और एक 4 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते, इसके जैस पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और हमारा स्टोर रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 11 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्टोर रूम हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। अब स्टोर रूम से वापस बाहर आते, तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का आ रहा है तीसरा बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर, एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई उत्तर दिशा, यहाँ पर बरामदा, यहाँ पर घर का मेन डोर, ये बेडरूम, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, ये यहाँ पर हमारा स्टेयर केस, यहाँ पर डाइनिंग और लिविंग एरिया, किचन, स्टोर रूम, बेडरूम और इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट हो गया। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।